और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मैनपुरी उपचुनाव की, जिसके लिए सपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से अपना कैंडिडेट बनाया है। सपा ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान करते हुए ट्वीट भी किया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है, जिस पर आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। 17 नवंबर तक नामांकन होगा, जबकि 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इसके बाद 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। डिंपल यादव इससे पहले भी सपा के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं। वे 2 बार सांसद रह चुकी हैं। पहली बार उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तब उन्होंने कन्नौज की सीट छोड़ी थी, जहां से डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। और एक बार फिर से डिंपल यादव चुनावी मैदान में होंगी। ये मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव यहां से प्रत्याशी घोषित हुई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें उन्नाव से, जहां मैनपुरी उपचुनाव पर शिवपाल यादव बोले हैं, उन्होंने 2-4 दिन में लखनऊ में सब कुछ बताएंगे, ये बात कही है। डिंपल यादव के प्रचार पर भी नहीं दिया उन्होंने साफ जवाब, जब पूछा गया कि क्या डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे। आजम खान के मुद्दे पर शिवपाल यादव बोले हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए, यानी कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। शिवपाल यादव से इन तमाम मुद्दों पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो ये उनके जवाब थे। हमारी पार्टी देखिए प्रगतिशील समाजवादी, तो पता नहीं आपने ये सवाल कहाँ से पूछ लिया। फिर भी वो आपकी बहू हैं, तो ऐसे में वो आपका सम्मान भी काफी करती हैं, तो उनका प्रचार प्रसार करेंगे। अभी तो आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है, आप आज सूचना आज से जारी हुई है। आप जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके आपको सब पूछ रहे। उधर मैनपुरी उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, सपा का न वर्तमान है न भविष्य, मुलायम सिंह यादव जी को नमन, मैनपुरी में खिलेगा कमल। सपा मतलब श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उनका ट्वीट है, जहां उन्होंने इस उपचुनाव के लिए ये बात लिखी है। कहा है कि समाजवादी पार्टी का मतलब श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि परिवारवाद पर उन्होंने ये तंज कसा है। उधर सपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि पार्टी उम्मीदवार पर फैसला लेती है। इतिहास, इसको इतिहास कायम होगा। इस बार इतिहास दर्ज होगा कि मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट पूरे देश में एक इतिहास कायम करेंगे। आज तक उतने वोटों से कोई जीता नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ता का मत था ये। कार्यकर्ता इस बार डर गए क्या कि इस बार भाजपा जिस तरह से आजमगढ़ में रगड़ दी थी, यहाँ भी रगड़ देगी? अब वही डर गए, हार गए। कैंडिडेट जैसे डिक्लेयर होता है तो आप डर गए हार गए करने। ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी में परेशानी हो सकती है, बौखलाहट हो सकती है, क्यों हैं ही, वो तो परेशान हो ही गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो लगातार ये मांग कर रहे थे, तो इस फैसले से कार्यकर्ता और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। वही अभिषेक मिश्रा ने नाम का ऐलान होने पर खुशी जताई है। पार्टी के कार्यकर्ता अपने 2 पूर्व सांसद धर्मेंद्र और तेज प्रताप को क्यों नहीं चाहते? देखिए, ये तो एक क्वेश्चन ऐसा हो गया कि किसको क्यों नहीं चाहते, सवाल ये नहीं बनता। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि हमारे नेतृत्व ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किसको कैंडिडेट बनाया है। और माननीय नेताजी की सीट है हम सब के लिए, वो सीट बहुत ही विशेष है, बहुत ही स्पेशल है। हम सब लोग पूरी ईमानदारी से, ताकत से वहाँ बीच में जाएंगे, लोगों का प्यार लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, बड़ों का पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेंगे, छोटों के कंधे पर हाथ रख के उनको साथ लेके चल। पाल जी का आशीर्वाद लेंगे, हम सबका आशीर्वाद लेंगे। हमें किसके आशीर्वाद की, हमें तो सबके आशीर्वाद की जरूरत है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, 50 कदम की दूरी पे शिवपाल जी का घर है, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे उनके? देखिए, ये सवाल तो आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके बीच का रिश्ता जो है, वो आप मीडिया के चैनल के डिबेट में नहीं तय हो सकता। वो आज का रिश्ता नहीं है, वो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।